इनती 26वां बाब और वबा के बाद खुदावन ने मूसा और हारून काहिन के बेटे अलीजर से कहा कि बनी इसराइल की सारी जमायत में 20 बरस और उससे ऊपर ऊपर की उम्र के जितने इसराइली जंग करने के काबिल हैं, उन सबों को उनके अबाई खानदानों के मुताबिक गिनो। चुनाचे मूसा और अलीजर काहिन ने मोआब के मैदानों में जो यर्दन के किनारे किनारे यरहू के मुकाबिल हैं, उन लोगों से कहा कि 20 बरस और उससे ऊपर ऊपर की उम्र के आदमियों को वैसे ही गिन लो जैसे खुदावन ने मूसा और बनी इसराइल को जब वो मुल्के मिस्र से निकल आए थे हुक्म किया था। रोबिन जो इसराइल का पहलोठा था, उसके बेटे ये हैं, यानी हनूक, जिससे हनूकियों का खानदान चला, और फलो, जिससे फलोइयों का खानदान चला, और हिस्रोन, जिससे हिस्रोनियों का खानदान चला, और कर्मी, जिससे कर्मियों का खानदान चला। ये बनी रोबन के खानदान हैं, और इनमें से जो गिने गए वो 43,730 थे। और फलो का बेटा अलियाब था, और अलियाब के बेटे नमुएल और दातिन और इब्रियाम थे। ये वही दातिन और इब्रियाम हैं जो जमायत के चुने हुए थे। और जब कुरह के फरीक ने खुदावन से झगड़ा किया तो ये भी उस फरीक के साथ मिलकर मूसा और हारून से झगड़े, और जब उन 250 आदमियों के आग में भस्म हो जाने से वो फरीक नाबूद हो गया, उसी मौका पर जमीन ने मुंह खोलकर कुरह समेत उनको भी निगल लिया था, और वो सब इबरत का निशान ठहरे। लेकिन कुरह के बेटे नहीं मरे थे, और शमोन के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी नमोएल, जिससे नमोएलियों का खानदान चला, और येमिन, जिससे यमेनियों का खानदान चला, और योकेन, जिससे यकेनियों का खानदान चला, और जारख, जिससे जारियों का खानदान चला, और साउल, जिससे सौलियों का खानदान चला। सो बनी शमोन के खानदान से 22,200 आदमी गिने गए। और जद के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी सफोन, जिससे सफोनियों का खानदान चला, और हेजी, जिससे हेजियों का खानदान चला, और सूनी, जिससे सूनियों का खानदान चला, और उजनी, जिससे उजनियों का खानदान चला, और एरी, जिससे एरियों का खानदान चला, और उरुद, जिससे अरुदियों का खानदान चला, और अरेली, जिससे अरेलियों का खानदान चला। बनी जद के यही घराने हैं। जो इनमें से गिने गए वो 40,500 थे। यहूदा के बेटों में से एर और ओनान तो मुल्के कैनान ही में मर गए, और यहूदा के और बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी सिल्ला, जिसे सेलानियों का खानदान चला, और फारस, जिसे फारसियों का खानदान चला, और जरहा, जिसे जारियों का खानदान चला। फारस के बेटे ये हैं, यानी हिस्रोन, जिसे हिस्रोनियों का खानदान चला, और हमूल, जिससे हमूलियों का खानदान चला। ये बनी यहूदा के घराने हैं। इनमें से 76,500 आदमी गिने गए। और इश्कार के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी तोला, जिससे तोलियों का खानदान चला, और फो, जिससे फोइयों का खानदान चला, यूसुब,
जिससे यसूबियों का खानदान चला, सिमरोन जिससे सिमरोनियों का खानदान चला। ये बनीशकार के घराने हैं। इनमें से जो गिने गए वो 64,300 थे। और जबलून के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी सर्द जिससे सर्दियों का खानदान चला, अल्वोन जिससे अल्वोनियों का खानदान चला, येलिहेल जिससे येलहेलियों का खानदान चला। ये बनी जबलून के घराने हैं। इनमें से 60,500 आदमी गिने गए। और यूसुफ के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी मनस्सी और इफ्राइम। और मनस्सी का बेटा मकीर था, जिसे मकीरियों का खानदान चला। और मकीर से जल्लाद पैदा हुआ, जिससे जल्लादियों का खानदान चला। और जल्लाद के बेटे ये हैं, यानी एजर जिससे एजरियों का खानदान चला, और खल्क जिससे खल्कियों का खानदान चला, और एसरियल जिससे एसरी एलियों का खानदान चला, और सिकम जिससे सिकमियों का खानदान चला, और समदिया जिससे समदियों का खानदान चला, और इफर जिससे हिफरियों का खानदान चला। और हिफर के बेटे सलहा फहाद के हां कोई बेटा नहीं, बल्कि बेटियां ही हुई। और सलहा फहाद की बेटियों के नाम ये हैं, मोहाला और नोहाहा और हुजाला और मिलाका और तेराजा। ये बनी मनस्सी के घराने हैं। इनमें से जो गिने गए वो 52,700 थे। और इफ्राइम के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी सोतलहा जिससे सोतलियों का खानदान चला, और बकर जिससे बकरियों का खानदान चला, और तहन जिससे तहनियों का खानदान चला। और सोतलहा का बेटा ईरान था, जिससे ईरानियों का खानदान चला। ये बनी इफ्राम के घराने हैं। इनमें से जो गिने गए वो 32,500 थे। यूसुफ के बेटों के खानदान ये ही हैं। और बिन्यामीन के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी बलहा जिससे बलाइयों का खानदान चला, और अशबील जिससे इशबीलियों का खानदान चला, और अखरियाम जिससे अखरियामियों का खानदान चला, और सोफाम जिससे सोफामियों का खानदान चला, और हुफाम जिससे हुफामियों का खानदान चला। बलहा के दो बेटे थे, एक इर्द जिससे इरादियों का खानदान चला, दूसरा नुमान जिससे नुमानियों का खानदान चला। ये बनी बिन्यामीन के घराने हैं। इनमें से जो गिने गए वो 45,600 थे। और दान का बेटा जिससे उसका खानदान चला सोहाम था, उससे सोहामियों का खानदान चला। दानियों का खानदान यही था। सोहामियों के खानदान के जो आदमी गिने गए वो 64,400 थे। और आशर के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी यमना जिससे यमनियों का खानदान चला, और असोवी जिससे असोवियों का खानदान चला, और बिरिया जिससे बिरहाइयों का खानदान चला। बनी बिरेहा ये हैं, यानी हिबर जिससे हिब्रियों का खानदान चला, और मलकियल जिससे मलकियलियों का खानदान चला। और आशर की बेटी का नाम सारा था। ये बनी आशर के घराने हैं। जो इनमें से गिने गए वो 53,400 थे। और नफ्ताली के बेटे जिनसे उनके खानदान चले ये हैं, यानी यसियल जिसे यसियलियों का खानदान चला, और जूनी जिसे जूनियों का खानदान चला, और यसर जिसे यसरियों का खानदान चला, और सलीम जिसे सलीमियों का खानदान चला। ये बनी नफ्ताली के घराने हैं।
और जितने इनमें से गिने गए वो 45,400 थे। सो बनी इसराइल में से जितने गिने गए वो सब मिलकर 601,730 थे। और खुदावन ने मूसा से कहा, इन्हीं को इनके नामों के शुमार के मुआफिक वो जमीन मिरास के तौर पर बांट दी जाए। जिस कबीला में ज्यादा आदमी हो उसे ज्यादा हिस्सा मिले और जिसमें कम हो उसे कम हिस्सा मिले। हर कबीला की मिरास उसके गिने हुए आदमियों के शुमार पर मौकूफ हो, लेकिन जमीन कुर्रा से तकसीम की जाए वो अपने अबाई कबीलों के नामों के मुताबिक मिरास पाएं। और खास ज्यादा आदमियों का कबीला हो या थोड़ों का, कुर्रा से उनकी मिरास तकसीम की जाए। और जो लावियों में से अपने अपने खानदान के मुताबिक गिने गए वो ये हैं, यानी जेरसून से जेरसोनियों का घराना, केहात से केहातियों का घराना, मुरारी से मुरारियों का घराना, और ये भी लावियों के घराने हैं, यानी लिबना का घराना, हेब्रून का घराना, महेली का घराना, और मूशी का घराना, और कुरहा का घराना, और केहात से उमराम पैदा हुआ, और उमराम की बीवी का नाम युकबद था, जो लावी की बेटी थी, और मिस्र में लावी के हां पैदा हुई। इसी के हारून और मूसा और उनकी बहन मरियम इमराम से पैदा हुए। और हारून के बेटे ये थे, निदब और इब्हू और अलिजर और इतमर। और निदब और इब्हू तो उसी वक्त मर गए जब उन्होंने खुदा के हजूर ऊपरी आग गुजरानी थी। सो उनमें से जितने एक महीना और उससे ऊपर ऊपर के नरीना फर्जंद गिने गए वो 23,000 थे। ये बनी इसराइल के साथ नहीं गिने गए क्योंकि इनको बनी इसराइल के साथ मिरास नहीं मिली। सो मूसा और एलिजर काहिन ने जिन बनी इसराइल को मुआब के मैदानों में जो यर्दन के किनारे किनारे यरहू के मुकाबिल हैं शुमार किया वो यही हैं। पर जिन इसराइलियों को मूसा और हारून काहिन ने दश्ते सीना में गिना था उनमें से एक शख्स भी इनमें ना था, क्योंकि खुदावन ने उनके हक में कह दिया था कि वो यकीनन बियाबान में मारे जाएंगे। चुनाचे उनमें से सिवा युफना के बेटे कालिब और नून के बेटे यशु के एक भी बाकी नहीं बचा था।